नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी के अंदर बवाल हो गया क्या? ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि जगदा बाबू के इस्तीफे की खबर सामने आ गई। हालांकि जगदा बाबू इशारे इशारे में इसका खंडन करते दिख रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अब जो खबरें आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह ने जो इस्तीफे की पेशकश की है, अब वहां अंदर ही अंदर डैमेज कंट्रोल का काम चल रहा है। दरअसल मीडिया में खबरें आई कि जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा आरजेडी ऑफिस पर हो गया। आरजेडी ऑफिस पर पहुंच गए तमाम मीडिया कर्मी। बड़ी खबर थी सियासत की, अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा दे रहे हैं तो बड़ी खबर थी। तो जगदानंद सिंह ने हालांकि इस बात को पूरी तरह से घुमा फिराकर कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन जगदानंद सिंह जो बोल रहे हैं उससे ये भी नहीं समझा जा सकता कि इस्तीफा वो नहीं ही दे रहे हैं। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जगदानंद सिंह साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, घुमा फिराते ही तमाम बातें वो कर रहे हैं। मीडिया से नाराजगी जरूर दिखा रहे हैं। और अगर कहें कि आग कहीं लगता है तभी तो धुआं उठता है, आग कहीं ना कहीं लगी है जरूर। जगदानंद सिंह के दिल में लगता है आग लगी है क्या? इस तरह के सवाल उठ सकते हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों जो पार्टी का स्थापना दिवस था, 25वां स्थापना दिवस यानी सिल्वर जुबली समारोह, लालू यादव सीधे दिल्ली से जुड़े हुए थे पार्टी कार्यालय के बीच। और इस बीच जिस तरह से जगदानंद सिंह मंच पर मौजूद थे और तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से मंच पर अगर कहें कि जगदानंद सिंह की खिल्ली उड़ा दी या फिर इशारों इशारों में जो बातें कह दी, कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को वो बातें चुभ गई हैं। बात को कुछ तरह इशारा नहीं कर रहे हैं। अरे यार रुक ना एक मिनट, जगदा वो आखिर ये खबरें आई कहां से कि हमारे हमारे पास इतनी विद्वता नहीं है। ये जब आप लोग जैसे लड़के घूम रहे थे उस दिन से हमारी बात होती रही है। जो मन पड़े तो बना लेना। आखिर ये चर्चा क्यों हुई, आखिर ये बातें खबर आई कहां से कि जगदा वो ने इस्तीफा दे दिया? अब आप क्यों चर्चा करते हो? आपकी समझदारी में हमारा हस्तक्षेप है तो जगदा बाबू के बारे में अगर इस तरह की बातें मीडिया में आए, किसी मीडिया ने अगर गलत से ही खबर चला दिया तो ये तो आपत्तिजनक है ना जगदा बाबू के इस्तीफा के बारे में। अगर इस तरह की आप उससे सवाल करो, पहले उससे सवाल करो कि ये समाचार कहाँ से मिला आपको। इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। हमारा सवाल है कि क्या जगदा बाबू ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, आप उसमें क्या कहेंगे? मेरा कोई इस पर जवाब नहीं है। मेरा कोई प्रश्न पर जवाब नहीं है। या तो आपने दिया या नहीं दिया है? यदि खोपड़ी में जरा भी दिमाग हो तो देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। जवाब तो सीधा होना चाहिए। खोपड़ी में दिमाग है, यदि दिमाग भगवान ने दिया है तो देखो मैं कहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस्तीफा आप दे देते तो फिर इसका मतलब हुआ कि खोपड़ी में दिमाग नहीं है। आप बचपना कर रहे हो, वापिस तब नहीं आते। आप लोग बचपना कर रहे हो। और इसी बचपना के जवाब में आज तक जीवन में नहीं दिया हूँ, कोई ले भी नहीं सकता, चाहे आप मुझे जितना भी बड़ा मानता हो। तेज प्रताप यादव हालांकि पुराना उनका ये सगल नहीं है, इससे पहले भी जगदानंद सिंह से उनका आमना सामना हो चुका है। पार्टी कार्यालय में घुसकर ही तेज प्रताप यादव ने बहुत सारी बातें जगदानंद सिंह को कह दी थी। तो तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से 25वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा जगदानंद सिंह को घेरते हुए कि जगदा अंकल लगता है मुझसे नाराज हैं, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए थे तेज प्रताप यादव। साथ ही साथ ये भी कह दिया था इशारों इशारों में कि पार्टी के अंदर भौंकने वालों की मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। इस तरह की बात करते हुए इशारों में जगदानंद सिंह को ही तेज प्रताप यादव सुना रहे थे। तो एक बार फिर लगता है क्या कि तेज प्रताप यादव की वजह से जगदानंद सिंह नाराज है? हालांकि खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तमाम बातें इशारों में ही कर रहे हैं जगदानंद सिंह। और जगदानंद सिंह जो पार्टी के अंदर अनुशासन बनाने के लिए जाने जाते रहे हैं, उनके कार्यकाल में नेता लाइन में खड़े होकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, तो ऐसे में जिस तरह से बार बार उस अनुशासन को लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव तोड़ते रहे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। और जगदानंद सिंह
के इस्तीफे की खबर यूं ही नहीं आ रही, आग लगा है, धुआं उठ रहा है और बात ये जो खबरें भी आ रही हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं और अब इस मामले में डैमेज कंट्रोल का काम चल रहा है। सीधे सीधे लालू यादव से बात करेंगे तेजस्वी यादव और अब इस मामले में लालू यादव ही कुछ पर कर पाएंगे क्योंकि जगदानंद सिंह का जो तेवर के जो तेवर दिख रहे हैं पार्टी कार्यालय के अंदर, हालांकि वो मीडिया कर्मियों से साफ साफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इशारों में बता रहे हैं कि ऐसा इस्तीफा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं वो अध्यक्ष की कुर्सी है, अगर मैं इस्तीफा दे देता तो यहां क्यों बैठता। तो इस्तीफा तो उन्होंने नहीं दिया है पर इस्तीफे की पेशकश की जो खबरें हैं कहीं ना कहीं वो बात सही हो सकती है और ये अंदर खाने में अब जो आरजेडी के अंदर उथल पुथल मचा हुआ है। लालू यादव तक बात पहुंच गई है, आरजेडी सुप्रीमो तक और अब आरजेडी सुप्रीमो ही इस पूरे मामले को सुलझाएंगे। लगता तो यही है, पिछली बार भी जो कुछ हुआ था जिस तरह से जगदानंद सिंह से आमने सामने हो गए थे तेज प्रताप यादव, तो लालू यादव ने क्लास ली थी। लालू यादव उस वक्त रांची में थे, रांची में उनका इलाज चल रहा था रिम्स में, तो वहां उन्हें तलब किया गया था तेज प्रताप यादव को, वहां मुलाकात की थी और वहां क्लास ली थी। जगदा बाबू सीनियर हैं, हालांकि अंकल कह रहे हैं जगदा बाबू को तेज प्रताप यादव, लेकिन जिस तरह से उनकी बेइज्जती की जा रही है तो जगदा बाबू अब लगता है नाराज हैं और उन्होंने फैसला ले लिया इस्तीफे का। और अंदर अंदर जो ये खबरें आ रही हैं कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, हालांकि साफ तौर पर भी इस्तीफा नहीं दिया है, सामने आकर वो मीडिया के सामने बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, हालांकि इस पर इस मसले पर वो खुलकर ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, ये बात नहीं कह रहे हैं, पर इस्तीफा दिया है ये बात भी नहीं कह रहे हैं। तो खैर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि अभी ये सियासी जो अभी हंगामा खड़ा हो गया है आरजेडी के अंदर अब उसका क्या नतीजा सामने आता है। जगदानंद सिंह फिर से नाराज हैं और एक बार फिर से बात लालू यादव तक पहुंच गई है और एक बार फिर से लालू के लाल ही ने उन्हें नाराज कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।